दोस्तों फाइनली ये खड़ी है आप लोगों के सामने ब्रांड न्यू TVS अपाचे RR310 2024 वाला न्यू मॉडल। दोस्तों आप लोग बार बार इस बाइक के बारे में बोल रहे थे कि रिव्यू करो, तो फाइनली आज आप लोगों के लिए इसका रिव्यू लेकर आया हूँ। हालांकि मुझे फ़िलहाल अभी जो नया कलर ऑप्शन है इसका वो नहीं मिला दोस्तों, उसका भी आपको बहुत जल्द रिव्यू मिलेगा। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, उसका भी आपको रिव्यू मिलेगा। बाकी ये भी बिल्कुल नया कलर ऑप्शन है, बिल्कुल मतलब पुराना वाला रेड है, बट कुछ नए ग्राफिक है और नए चेंजेस तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों ब्रांड न्यू RR310 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं RR310 2024 मॉडल के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं इसके प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है भाई, कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। दोस्तों ये बाइक आपको एक शोरूम प्राइस आ रही है लगभग 275,000, 275,000 रुपये के आसपास की जो है आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। और ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखिए हर एक सिटी में प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। फिलहाल इसका ऑन रोड प्राइस नहीं आया, जब इस ऑन रोड प्राइस सामने आएगा तो आपको ऑन रोड प्राइस भी जो एक बार मैं आपको क्लियर जरूर करूँगा। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों इसके डिटेल रिव्यू में। ठीक, सबसे पहले तो आप चेंजेस के बारे में बात कर लें तो भाई साहब फाइनली अब आपको RR310 में विंग्स मिल रहे हैं। देखिए फिर डुअल विंग्स है, फ्रंट से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए भाई विंग्स आपको इसमें मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं वैसे ही पहले गाड़ी कितनी ज़्यादा चौड़ी दिखा करती थी, बट अब कंपनी ने इसमें विंग्स डाल दिया तो ये और ज़्यादा चौड़ी लग रही, एकदम मतलब बल्कि लगने लगी है। तो ये बहुत मेजर अपडेट इसमें है। दूसरा दोस्तों फाइनली ट्रांसपरेंट क्लच, ये देखिए ट्रांसपरेंट क्लच आपको इसमें मिलेगा। क्लच आपको घूमते हुए अब इसमें दिखने वाले हैं। ये देखिए ये अपना क्लच असेंबली है और ये कैप अपना लगा हुआ है, क्लच असेंबली का कैप कवर, और ये आपको ट्रांसपरेंट मिल रहा। तो जब ये घूमेगा तो ये आपको दिखेगा। ये भी एक बड़ा अपडेट हवा इसमें आपको मिल रहा है। बड़ी जो बाइकें होती है स्पोर्ट्स सेगमेंट की, बड़ी मतलब सुपर बाइक है, उनमें ये चीज़ आती थी, बट अब TVS वालों ने अपनी RR310 में भी दे दिया है। तो भाई TVS अपग्रेड किए जा रहा है भाई, मानना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं इसके रिव्यू में। सबसे पहले मैं इसकी की ऑन करता हूँ। जैसे ही आप की ऑन करेंगे देखेंगे कि फ्रंट में सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे दो छोटी LED DRL लाइट मिलती है। एक ये LED DRL आपको इसमें मिलेगी। मेन लाइट में दोस्तों इसमें आपको फुली LED लाइट आपको मिलता है, बट वो LED प्रोजेक्टर लाइट है। देखिए एक ये लाइट है, ये है, दोनों LED प्रोजेक्टर लाइट है। इस लाइट की इल्यूमिनेशन एंड विजिबिलिटी आपको जो है ना बहुत तगड़ी देखने को मिलती है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी लाइट दी है। यहाँ पे आपको BI LED की टेक्नोलॉजी भी आपको इसमें देखने को मिलती है। कंपनी का कहना है कि ये जो लाइट है किसी भी स्पोर्ट्स सेगमेंट के कमरे में सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक, साथ में जो टर्न सिग्नल है वो भी दोस्तों आपको यहाँ पे LED आपको मिलेंगे। देखिए ये भी आपको यहाँ पे LED मिल जाता है। ठीक, बात कर लें इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन मिलेंगे वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गोल्डन कलर की USD अपसाइड डाउन सस्पेंशन आपको मिल रहा है, विच इज़ वेरी प्रीमियम सस्पेंशन। और आप देख सकते हैं दोस्तों कलर क्वालिटी भाई गोल्डन की बहुत तगड़ी मिल रही है। टायर से दोस्तों फ्रंट में आपको 110/70 का टायर से आपको फ्रंट में मिलता है, जो कि 17 इंच के साथ में आएगा। प्लस में आपको टायर आपको पता है मिचलिन के टायर मिलते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे ब्रांड के टायर कंपनी ने इसमें यूज़ किया है। ब्रेकिंग में आते हैं दोस्तों, ब्रेकिंग में स्पेशल फीचर में इसमें आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इसके प्लेट साइज़ के बारे में, तो प्लेट साइज़ में आपको फ्रंट में इसमें 300 mm के आसपास की जो प्लेट साइज़ है आपको फ्रंट में मिलती है। प्लस में आपको बाइब्रेकी फोल पिस्टन कैलिपर जो आपको इसमें मिल जाएंगे। चलिए अब आते हैं दोस्तों इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, इंजन के बारे में जो है बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले से ज़्यादा पावर अब आपको इसमें मिलेगा। देखिए इंजन टाइप में इसमें दोस्तों आप लोगों को 312.2 cc का SI 4-stroke 4-valve सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल रिजर्व इंक्लाइन इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बात करें तेरे पावर एंड टॉर के बारे में, दोस्तों ये मैक्सिमम पावर में 38 PS के आसपास की पावर जनरेट करेगी एंड 29 Nm का जो टॉर्क है दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिल रहा है। यानी भाई इसमें आपको जो पावर एंड टॉर्क है वो आपको बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। कंपनी ने काफ़ी अच्छी पावर एंड काफ़ी अच्छी जो टॉर्क है दोस्तों इस बाइक में ऑफर कर दी है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें आपको फ्यूल सिस्टम में FI मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं। कूलिंग सिस्टम में आपको इसमें लिक्विड कूल इंजन मिलेगा। कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है लिक्विड कूल इंजन इसमें ऑफर किया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो रेडिएटर है यहाँ पे कंपनी ने इसमें ऑफर
किया हुआ है। साथ में दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इसका बोर साइज 80 mm है, स्ट्रोक साइज 62.1 mm के आसपास का देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको नंबर ऑफ 4 वॉल्व इंजन मिलेगा, ये 6 गियर के साथ में आते हैं। साथ में दोस्तों थ्रॉटल सिस्टम में इसमें आपको बता दूँ, राइड बाय वायर हम जिसे कहते हैं, जिसमें TVS लोग बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल विथ मल्टीपल राइड मोड्स, वो आपको इसमें मिलेंगे। साथ में आपको नॉर्मल जो स्लीपर क्लच है वो भी दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। VS6 फेज 2 E20 नॉर्म्स के साथ में हमें ये मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे DUSC की बैचिंग है, यहाँ पे आपको RR310 की बैचिंग मिलती है, यहाँ पे लिखता है डू नॉट ब्लॉक, भाई इसको ब्लॉक नहीं करना है, यहाँ पे आपको कोई भी कपड़े नहीं रखने हैं, आपके कपड़े रखने के लिए नहीं है, यहाँ पे आपको RT स्लीपर क्लच की बैचिंग मिल जाती है। ठीक, तो दोस्तों इस बाइक का डिटेल, इंजन स्पेसिफिकेशन, जैसे आपने देखा कि इसमें अब आपको दोस्तों पहले से ज़्यादा पावर मिलेगी, पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको ये निकाल कर देने वाली है। चलिए बात कर लें दोस्तों अब इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बाइक अब आपको जो है लगभग 30 के आसपास का माइलेज ऑफर करती है। 0 to 100 में इस बाइक को 6.5 सेकेंड लगते हैं। टॉप स्पीड आपको इसकी 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड जो है वो दोस्तों आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी, यानी कि टॉप एंड परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको इस बाइक में आप बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर प्रोफाइल की तरफ। सबसे पहले मैं इसकी की ऑन करता हूँ, टेल लाइट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टेल लाइट आपको बिल्कुल यहाँ पे LED देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी वाली LED जो टेल लाइट है दोस्तों इस बाइक में ऑफर किया हुआ। आप देख सकते हैं इसकी टेल लाइट है बहुत अच्छी निकल के आती है। ये बाइक की ग्रेबल्स देखिए बहुत यूनिक टाइप के आपको मिल जाएंगे, टनल सिंगल लैप LED आपको मिल जाते हैं। यह बाइक देख सकते हैं रियर फुटरेज है, वो फ्रंट फुटरेज है, फुटरेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। रियर में दोस्तों जो सस्पेंशन है वो आप लोगों को दोस्तों देख पा रहे हैं, सिंगल सॉक सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, मोनोसॉक सस्पेंशन है जिसे हम कहते हैं, सस्पेंशन क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। टायर से दोस्तों रियर में ना इसमें आप लोगों को देख पा रहे हैं 150/60 का टायर से रियर में मिलता है, जो कि 17-inch व्हील के साथ में आएगा। ब्रेकिंग में आते हैं तो रियर का जो डिस्क प्लेट है काफ़ी बड़ा है, 240 mm की डिस्क प्लेट कंपनी ने रियर में इसमें यूज़ किया है। इसके स्विंग आर्म है, यहाँ पे आपको बाइब्रे के सिंगल पिस्टन कैलिपर आपको मिलेंगे। सीट पे दोस्तों इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलता है, 1:2 पार्ट में सीट है। सीट की जो फोम क्वालिटी वो भी आपको यहाँ पे बहुत तगड़ी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको RR310 का बैचिंग मिलेगा। ये बाइक का टैंक डिजाइन है जो कि बहुत सुपर आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको E20 की बैचिंग भी मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक RR310 की बैचिंग मिलती है। बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले आप इसकी की देखिए, इस टाइप की की आपको बाइक में मिलेगी। दूसरी स्पीडोमीटर में इस बाइक में आपको फुली जो है आपको देख पा रहे हैं TFT डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों कंपनी ने इसमें TFT डिस्प्ले ऑफर किया है, भाई फीचर्स के मामले में बहुत तगड़ी है कंपनी ने, इसमें काफ़ी सारे जो फीचर है भाई वो ऑफर किए हुए हैं। ठीक, क्या क्या फीचर है, सबसे पहले ये देखिए ये RPM मीटर है जिसे हम टेकोमीटर भी कहते हैं, ये इसका फ्यूल इंडिकेटर, ये फ्यूल इंडिकेटर है, इंजन टेम्परेचर है, ये आपका देख सकते हैं स्पीडोमीटर है, यहाँ पे नॉर्मल दिखा रहा है, टॉप स्पीड, फ्यूल रेंज, ओडो, कूलेंट टेम्परेचर, यहाँ पे मेन्यू। अब चलते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ, देखिए स्पीडोमीटर से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं इसके स्पीडोमीटर की तरफ, देखिए यहाँ पे राइडिंग मोड्स, अर्बन, रेंज, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक, उसके बाद ट्रिप डीजल में ट्रिप पॉइंट, ट्रिप बी, ट्रिप सी, उसके बाद माई व्हीकल में सर्विस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रख सकते हैं, प्रीफेज में कनेक्टिविटी, डिस्प्ले थीम, कस्टमम विड्स, स्पीड अलर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये देखिए यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, किक शिफ्टर ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल सीट भी आपको, वेंटिलेशन सीट भी आपको इसमें मिल जाएगा आई थिंक टॉप मॉडल में। ठीक, बाकी दोस्तों स्विचेस में पास स्विच स्पीड, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए ये आपका क्रूज कंट्रोल, ठीक क्रूज कंट्रोल, उसके बाद दोस्तों आपका ये हजार्ड स्पीडोमीटर कंट्रोलर, टनल सिंगल लैप हॉर्न, यहाँ पे एक इंजन की असिस्ट प्लस सेल्फ असिस्ट आपको इसमें मिल जाता है। बात कर ले दोस्तों अब इसके डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों आपको बता दूँ इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो हमें देखने को मिलता है लगभग 2001 mm का, ओवरऑल विद 786 mm का, ओवरऑल हाइट है 1135 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 810 mm का, व्हीलबेस है 1365 mm का, कर वेट है लगभग 174 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 11 लीटर के आसपास की मिलेगी। तो ये दोस्तों ब्रांड न्यू TVS अपाचे RR310 2024 वाले मॉडल का डिटेल स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, मुझे अच्छी लगेगी तो एक लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।